बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कुक इज माय वेलकम। मैंने आज बनाई है आलू टिक्की चाट, जो कि बहुत ही मज़े की बनती है रमज़ानों के लिए। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। और चले देखते हैं कि मैंने ये कैसे बनाया है। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो चले फिर बिस्मिल्लाह से हम स्टार्ट करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए हमने एक कप पल्प लिया है इमली का। इसको मैंने अच्छे से पका लिया है। पहले मैंने इसके अंदर पानी डाला, इमली ली, उसके अंदर पानी डाला और उसको मैंने स्टेनर से स्टेन कर लिया। अब ये हमारे पास एक कप तकरीबन पल्प तैयार है। उसके अंदर कुछ स्पाइसेस डालूंगी। 4 टेबलस्पून चीनी है, 1/2 टीस्पून से भी थोड़ी मैंने सूख मिर्च ली है। मेरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं इसलिए मैंने इसमें थोड़ी शामिल की हैं। 1 टीस्पून मेरे पास सौंफ और ज़ीरा, इसको मैंने पीस लिया है। नमक हसबे ज़ायका 1 टीस्पून, 1 टीस्पून से भी थोड़ा है, ये 1/2 टीस्पून है। 1 टीस्पून कुटी मिर्च, ये भी मेरी बहुत तेज़ है। और ये 1/2 टीस्पून सौंफ है। ये सारी चीज़ें हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक और मिर्चें अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा की जा सकती हैं। चीनी भी आप टेस्ट कर लें, अगर मीठा कम लगे तो और डाल लें, ज़्यादा चाहिए हो तो जो है फिर और शामिल कर लें। आलू टिक्की चाट के लिए अब हम सब्ज़ चटनी तैयार कर लेते हैं। पुदीना मेरे पास है 1/2 कप और ये थोड़ा सा मेरे पास सब्ज़ धनिया और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें, इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। हसबे ज़ायका इसमें नमक शामिल कर लूँगी और ये चटनी भी हम तैयार करके एक साइड पर रख लेंगे। इमली की चटनी भी तैयार हो चुकी है हमारी। आलू टिक्की चाट के लिए हमने आलू को उबाल लिया है। 1/2 kg मेरे पास आलू थे, इनको बॉईल कर लिया है और मैंने इनको मोटा मोटा हाथ की मदद से ही चॉप कर लिया है। ज़्यादा इसको पीसना नहीं है। इसके अंदर अब हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज है मेरे पास 2 अदद दरमियाने, ये मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा सा पुदीना है और थोड़ा सा धनिया, ये जाएगा। बहुत मज़े की ये लगती हैं रमज़ान स्पेशल के लिए, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और ये मेरे पास इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ मसाले, सूखा धनिया 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च 1/2 टीस्पून है मेरी, बहुत तेज़ है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको कम कर ज़्यादा कर सकते हैं। नमक है 1 टेबलस्पून, या हसबे ज़ायका कुटी मिर्च 1/2 टीस्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबलस्पून, और ये है पिसा हुआ अनारदाना, ये भी 1 टीस्पून, और ये मेरे पास चावल का आटा है, ये 3 टेबलस्पून है। ये भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम इसको मिक्स करेंगे और देखेंगे, अगर और ज़्यादा हमें चाहिए हो तो हम इसमें डालेंगे। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। टिक्कियाँ हमने सारी तैयार करके रख ली हैं, अब हम इनको फ्राई करेंगे। और ज़्यादा ऑयल नहीं डाला मैंने, थोड़ा ही ऑयल डाला है। बिस्मिल्लाह, आलू की टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है। ये देखें, मैंने सारी निकाल ली हैं और ये देख लें कितनी अच्छी सी हो चुकी हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी। इसमें एक और भी यहाँ पे काम हो सकता है, अगर आपको पसंद हो तो बेसन, जिस तरह हम आलू के कतलों पे लगाते हैं और थोड़ा सा बना के टिक्कियों के ऊपर लगा के, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। अगर चावल का आटा नहीं है तो हम बेसन लगा लगा के, जैसे बाज़ार से नान टिक्की मिलती है और बहुत मज़े की लगती है, बार दफ़ा दिल करता है वो भी हम खाएं, उसका अपना ही एक मज़ा है। तो ये सारी टिक्कियाँ बनाने के बाद आप बेसन लगाएं, पतला सा उसको लेई सी बना लें, जैसे आलू के कतले हम रमज़ान में बनाते हैं तो टिक्कियों पर लगा लगा के, तो उसका अपना ही मज़ा है, ऐसे भी तैयार कर सकते हैं हम। सारा कुछ हमने सेट कर लिया है, अब हम इसको संभल करते हैं। सबसे पहले हम 2 टिक्कियाँ रखेंगे, थोड़ा सा इसको हम दबा देंगे और इसके ऊपर अपनी मनपसंद चटनियाँ डालेंगे जो हमें पसंद हैं, जैसा कि दही सबसे पहले, ये सबका फेवरेट है
दही, और उसके बाद मीठी चटनी सब पसंद नहीं करते लेकिन ये अच्छी लगेगी इसके ऊपर। ये डाल ली इमली की चटनी, फिर हम ये ग्रीन चटनी डालेंगे, चाट मसाला भी इसमें डालेंगे थोड़ा सा। अब हम ये अपनी बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, प्याज जितने हमें पसंद हैं उसके मुताबिक हम डालेंगे, थोड़े से टमाटर, पापड़ी, नीमको, और फिर हम थोड़ा सा दही और थोड़ा सा डाल लेते हैं। थोड़ी सी पापड़ी, थोड़ी सी चटनी, ताकि इनके ऊपर भी इसका फ्लेवर आ जाए और खूबसूरत भी लगे। सबसे एंड पे हम ये ऊपर थोड़ी सी ये डाल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आलू टिक्की हमारी रेडी हो चुकी है रमज़ान स्पेशल में।